और अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर लगे भ्रष्टाचार के दाग की। सीबीआई वर्सेस सीबीआई की लड़ाई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर एफआईआर से शुरू हुई थी, जिस पर बुधवार को केंद्र सरकार ने बड़ी सर्जरी कर हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र ने बुधवार की रात एक अहम कदम उठाते हुए डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेज दिया। ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। आलोक वर्मा ने सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आलोक वर्मा ने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। सरकार का कहना है कि सीवीसी की सलाह पर सरकार ने यह कदम उठाया है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि इस फैसले के पीछे राफेल डील है। राकेश अस्थाना को बचाने के लिए और शायद राफेल सौदे में जो हमने कंप्लेंट करी थी सीबीआई को, उसकी जांच ना हो पाए, उस वजह से ये सब कराया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि राफेल डील की फाइल खुलने वाली थी, इसलिए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया। इन्होंने राफेल की फाइलें खोली थी और जो खबरें आ रही थी कि राफेल के जिस तरह से फाइलें खोली हैं, सीधे प्रधानमंत्री और उनके आसपास के सारे लोगों पर केस होता और यहां तक खबर है कि जेल जाना पड़ता, तो आज सरकार ने सीबीआई पर डाका डाला है। आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा, लेकिन कांग्रेस कल से ही मोदी सरकार पर इसको लेकर हमलावर है।